अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अहम तरीन इंटीग्रल के प्रॉब्लम को। हमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू 4x - x2। अगर आप मैथमेटिक्स की कोई सी भी क्लास की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304-2291-893 पर हमसे रब्ता करें। स्टूडेंट, जब भी आपको कहा जाए कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस समथिंग जो भी हो, आप माइंड में रखिएगा कि आपको इंटीग्रल लेना है। अब जिस कर्व का आपको इंटीग्रल लेना है, आपने उसको 4x या जो भी है आपने उसको इधर रख के, यानी फंक्शन की फॉर्म ODx लगा दिया। अब रही बात लिमिट्स की, जब आपको एक्स की वैल्यूज गिवन हो तो जो छोटी वैल्यू हो आपने वो लोअर इंटीग्रल यानी लोअर लिमिट्स लेना होता है, जो बड़ी वैल्यू हो आपने अपर लिमिट लेना होता है। लेकिन अगर आपको लिमिट नहीं गिवन है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व्स गिवन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी कहा जा रहा है, तो उस सूरत में पहले आपने अपने लिमिट्स को निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको जो भी फंक्शन है आप उसको इक्वल टू 0 रखें, 4x - x2 = 0। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज लेनी है। अब हम एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 4 - x = 0, ये एक्स इज इक्वल 0 आ जाएगा और 4 - x = 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 4 और एक 0 है। तो जो बड़ी वैल्यू आपने अपर लिमिट रखनी है, जो छोटी वैल्यू उसको आपने लोअर लिमिट रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या है हमारे पास? अब आपके पास ये लिमिट्स भी आ गए, सिंपल इंटीग्रल का प्रॉब्लम ले लिया। अब आपने इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। क्या बनेगी स्टूडेंट सिंपल इंटीग्रेशन? 0 to 4 4x dx - 0 to 4 x³ dx। x square है। अब स्टूडेंट आगे देखें हमारे पास ये प्रॉब्लम, अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता है कि x का इंटीग्रल कैसे लिया जाता है स्टूडेंट? x का इंटीग्रल हमारे पास x n हो उसका इंटीग्रल होता है x(n+1)/(n+1), यानी x की पावर में 1 वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, उसी से हमने डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास x का इंटीग्रल लिया जाता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 को बाहर निकालें तो x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो x² / 2, ये 0 to 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा x³/3, 0 to 4, पावर में 1 ऐड कर दिया उससे डिवाइड कर दिया। अब जो स्टूडेंट आपने पहले अपर लिमिट को पुट करना है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करना होता है। ये 4, अपर लिमिट क्या है? 4 है। ये 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, जब 2 बाहर निकलेगा तो 4/2 बन जाएगा। अपर लिमिट 4 है, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट। सिमिलरली पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, 1/3 को बाहर निकाल लें तो 4³ - 0³। अब जो स्टूडेंट आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, और कोई आपको करने वाला कोई बड़ा काम नहीं है। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी डे स्टूडेंट्स? अब आपने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, यानी प्लस माइनस का काम करना है। ये देखें 2 × 2 = 4, ये 2 बाहर आएगा और 4 का स्केयर कितना बनेगा आपके पास? 16। ये 0 का स्केयर 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। 1/3 × 4 का क्यूब क्या हो जाएगा डे स्टूडेंट्स? 16 का आप जब स्केयर लेंगे डे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब क्या होता है डे स्टूडेंट्स? 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी स्टूडेंट्स? हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64 आ जाएगा। 64, अब आपने जस्ट उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये क्या आ जाएगा? 4 × 4 × 4 4 × 4 = 16 16 × 4 = 16 4 = 16 4 = ठीक है, मैंने सही लिखा है, डाउट दूर कर रहा था। ये क्या हो जाएगा? 32 - 64/3। अब आप ऐसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन मजीद कर लेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन मजीद कैसे हो जाएगी? जब आप ये लेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ये इसके साथ कैंसिल आउट नहीं होता, ये क्या आ जाएगा? 32 - 64/3। अब आप इसको एज एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 एज एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 32 3 = 6 9 96 -64 तो क्या हो जाएगा? 2 3, ये आ जाएगा 32/3, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये आपने साथ में यूनिट लिखना है, स्केयर यूनिट। ओके,